कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वाकई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज लाइफ ओके स्टूडियो में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष अली जनाब, इज्जत माफ मेरे मार्गदर्शक जनाब एम एजाज खान साहब, जो देश और जनता को समर्पित अपनी सेवाएं निरंतर अंतराल पे देते रहते हैं और जनता की आवाज़ पर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, आप समर्पित रहते हैं। ऐसे समर्पित लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी आज चुन करके विधानसभा लोकसभा में भेजना चाहती है। तो ऐसे ही जनता के चहेते और समर्पित कार्यकर्ता जो कि आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे बीच में आए हैं। लाइफ ओके स्टूडियो अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा है। हम आइए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे एम एजाज खान साहब के पास, जो आपसे अपने पॉलिटिकल करियर पर, आपकी शिक्षा दीक्षा पर और आपके जो कार्य हैं समाज के प्रति, उस पर वो रोशनी डालेंगे। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष जनाब एम एजाज खान साहब से। एम एजाज खान साहब, आपका लाइफ ओके स्टूडियो में दिल की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आप बताइए हमारे जनता को कि आपका पॉलिटिकल सफ़र कैसे शुरू हुआ, मतलब किन बातों को आपको लगा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? पहली बात तो मैं लाइफ ओके के चैनल को दोबारा बात करता हूँ, पहले तो मैं और शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने और मैं उनका तय दिल से जाना चाहूँ भाई का आभार राम चक्र भाई का नीतीश भाई एवं उनके माध्यम से मैं आप लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ। जिलाध्यक्ष जी, हमने अभी दिसंबर की सर्दियों, कड़कती हुई सर्दियों में देखा कि किस तरह से आपने जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग थे, आपने उनको एक एक घर जा कर के और उनको एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें नंद कुमार सिंह चौहान जी आए थे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मुख्य अतिथि थे, उसमें सनवर पटेल साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे। आपने के मतलब आपके पास इतनी क्षमता और ऊर्जा कहाँ से आती है? आप इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, वो नहीं कर पाते हैं, वो काम ऊपर वाला आपसे ले रहा है, थोड़ा इस पर रोशनी रहे। मेरी बचपन से ही अमरनाथ समाज सेवा, जब मैं स्कूल में था छोटे मोटे समाज सेवा के काम किया। सवाल ऊर्जा वाली बात, ये सारी ऊर्जा अपने साथ हूँ, अपने वर्कर जो मेरे साथी जो लोग हैं उनकी मेहनत, उनकी हौसला अफजाई से खुद को हौसला मिलता है, जिससे मैं काम करता हूँ। रहा सवाल कंबल बांटने का, तो ये एक समाज सेवा का भी एक अंग है। सर्दियाँ बहुत पड़ रही थी, लोग सर्दी से फिटर रहे थे, मेरे कार्यकर्ता साथियों ने उससे कहा कि भाई सर्दियों में कम्बल वितरण कार्यक्रम करना है, तो हमने 25 दिसंबर को जनाब मोहतरम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को कम्बल बांटने के दिन चुना, जिसमें मेरे सहयोगी शैलेश तिवारी जी, मेरे मोर्चे के पदाधिकारी लोग सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और हौसला अफजाई की। मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब सनवर पटेल साहब ने, जिला अध्यक्ष जनाब सुरेंद्र नाथ सिंह दाले जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम को आप जैसे लोगों ने आगे आकर बढ़ाकर और मेरी हिम्मत और आगे बढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम इस तरह के और आगे से आगे बढ़ करूँ। मुझे जिलाध्यक्ष बने हुए
एक वर्ष हुआ है और इस एक वर्ष के अंदर मैंने 73 से अधिक कार्यक्रम भोपाल शहर में किए हैं, जिसमें 1,000 से लेकर 5,000 की संख्या अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जाने वाले ऐसे लोगों की उपस्थिति दे रही है। सर, एक और सवाल जो लाइफ ओके आपसे करना चाहता है, अभी चूँकि आप सियासी पार्टी से हैं तो उसी से संबंधित एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने और वहाँ पर उन्होंने किसी भी विधानसभा सीट से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि उनको वो चेहरा या वो इतना अच्छा होमवर्क नहीं था, वो या वो तैयारी नहीं थी और उन्हें ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल पाया, और जो कि बात नाकाबिले तारीफ है। जिस यूपी से इतने बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया और रफ़ी अहमद खिदरी जैसे लोग वहाँ पर जन्मे, क्या वहाँ पर उनको एक इस तरह का कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया? तो क्या मध्य प्रदेश में भी उसी तर्ज पर चुनाव होना है कि या अब हमारे भोपाल में जो कि 7 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उन कई विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम चेहरे हैं बड़े बड़े, तो क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अगर उत्तर विधानसभा से आपको टिकट देती है तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए क्या है, ये वरिष्ठ नेता लोग हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब डिसाइड करेंगे इसको टिकट देना है और जीतने वाले व्यक्ति को ही पार्टी टिकट देगी, क्योंकि 1980 से लगाकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो समाज के लिए, समाज को नई राह दिखाने के लिए नई नई योजनाएं हमारे प्रदेश में संचालित की जा रही हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से सारे समाज, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही हम उन योजनाओं को लेके प्रत्येक घर, प्रत्येक मतदाता के पास जाएंगे, स्वाभाविक है उसका लाभ उनको मिलेगा। आज हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सारे कार्यकर्ता उनके मानेंगे, लेकिन जिसको भी पार्टी दे सारे कार्यकर्ताओं का फल बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्याशी को जिता कर लाए। मेरा ऐसा मानना है इस बार हम भोपाल उत्तर विधानसभा को जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत को ये सीट तो हमने दिखाई। जब आरिफ बेग साहब 2013 में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय शायद 13 वार्ड थे, 2 लाख मतदाता थे, और इस बार वार्डों की संख्या कितनी हो गई और मतदाता कितने हमारे, कितने पोलिंग बूथ हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए हम मंडल के हिसाब से 3 मंडल हैं हमारे यहाँ, 13 वार्ड हैं, 2,90,000 के आसपास हमारी संख्या वोटर है और 295 पोलिंग बूथ। हमारा ये काम रहेगा अल्पसंख्यक मोर्चा भोपाल जिले के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 5-5 कार्यकर्ताओं की तैनाती कर रहे हैं, इसके लिए हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, बैठकें शुरू हो गई हैं प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर, और वो जो हमने कमेटियाँ बनाई हैं वो जन जन तक जाएंगी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएँ और माननीय नरेंद्र सिंह जी की योजनाओं को, नरेंद्र सिंह मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी, जिससे कि उसका लाभ हमको भोपाल उत्तर सारी विधानसभा प्राप्त होगा। एक और सवाल एमेजा खान साहब आपसे कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनकी कई योजनाएं हैं जिससे प्रदेश लाभान्वित हो रहा है और जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है और सामूहिक रूप से कहते हैं कि उनका परिवार 1 या 2 लोगों का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का परिवार है, तो इन्हीं योजनाओं का आप क्रियान्वयन आम जनता तक कैसे करते हैं? ये सही है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी समाज में किसी भी धर्म का हो उसको जो योजनाएँ संचालित की जा रही हो, चाहे दूरदर्शन योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो प्रधानमंत्री की, इन सारी योजनाओं पर योजना एक समाज के लिए नहीं है, ये योजना सारे समुदाय, सारे वर्ग, सारे धर्म के लिए है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों ने जुड़ा उठाया है
इंशाल्लाह हम इसको मंजिल तक पहुँचाने का हमारा काम शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ता रहेगा। हमारे बेटा को शुरू हो रहा है, हो गया है, वार्डों में हो गया बेटा के लगा है, मंडलों में बैठक लगा है। पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नीति विधि और जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने का आशीर्वाद। उत्तर विधानसभा में हमारे देखा जाए, इतिहास देखा जाए तो 25 साल से हमारे उत्तर विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस के एक ही इकलौते MLA आरिफ अकील साहब हैं। और क्या इसी कमी रह जाती है, क्या उम्मत में कमी रह जाती है कि पिछले चुनाव में आरिफ बेग साहब जैसे कद्दावर नेता भी जिन्होंने 1,09,000 वोटों से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को हराया था वो भी चुनावी मैदान में आते हैं लेकिन अकील साहब के सामने हार जाते हैं 6,000 मतों से। अगर MHS खान साहब वो चेहरा होते हैं तो क्या आप करना चाहेंगे जो गलतियां पिछले उम्मीदवारों ने की और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत का स्वाद नहीं चखना देखो मिल रहा है? उम्मीदवारों ने गलतियाँ नहीं की, गलती कहाँ हुई है? हम लोग हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में नाकाम रहे क्योंकि हम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए जो भी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री लागू करते हैं हम उनको पहुँचाते हैं माता, लेकिन हम उनसे वोट नहीं ले पाते। क्या होता है कि 5 साल तक हमारे क्षेत्रीय विधायक 4.5 साल तक तो जनता को गाली रखेंगे, उनको विभिन्न केसों में बंद कराने की धमकी देंगे। जब चुनाव के 6 माह रह आते हैं तो विकास की बात करते हैं। आज आप देख लीजिए भोपाल के अंदर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, आज आप देख लीजिए भोपाल के अंदर सड़कों का क्या आलम है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आप देख लीजिए भोपाल के अंदर कोई भी व्यवस्था है उसमें हमारे विधायक जी कितने नाकाम हैं। आज भोपाल उत्तर का जो भी मतदाता है, जो भी रहवासी है, वो किसी भी समाज का हो, वो आज बेरोजगार है। उसका कारण हमारे यहाँ से अदालत चली गई, हमारे विधायक जी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हमारे यहाँ से RTO चला गया, हमारे विधायक जी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हमारे से बस स्टैंड चला गया, हमारे विधायक जी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। सारे ठेके उन्हीं के लोग लेते हैं, उन्हीं के भाई भतीजे काम करते हैं, उसमें जो जनता के बीच में नहीं आया था। आज देखिए आप भोपाल उत्तर में एक भी बॉयज कॉलेज नहीं है शासकीय, इसकी वजह क्या है? ये सारी नाकामी जो है, ये सारी हमारी विधायक की वजह से इस क्षेत्र को भुगतना पड़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जनाब MHS खान साहब ने हर पहलू से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा है और जिनके कार्यों को मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए वो कारवा बनता गया। आज उनके साथ पूरा जन समूह है और पूरी लोकतांत्रिक शक्ति का वो इजहार करना चाहते हैं और बतला देना चाहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब जहाँ बेटा राजा का बेटा राजा होता था और राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा वोट की पेटी से निकलता है। और अगर उत्तर विधानसभा जनता ने अगर एक सही निर्णय लिया, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो इस बार हमको जीत का स्वाद MHS खान साहब के रूप में चखने को मिलेगा और हमारी पूरी शुभकामनाएं लाइफ ओके की उनके साथ हैं। और आप इसी तरह से समय निकाल कर हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आएंगे, हमें गौरवान्वित करेंगे और आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप कीमती वक्त निकालकर लाइफ ओके के स्टूडियो में आए, MHS खान साहब और उनकी पूरी टीम आपका दिल से शुक्रिया अदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।